तो गाइज आज है ईद का फर्स्ट डे और हम अभी इस वक्त चल रही थी हम लोगों की तैयारियां। तो मैंने सोचा सबसे पहले आयत को ही तैयार कर देती हूँ, क्योंकि फिर इसने जो है ना मुझे तैयार नहीं होने देना था। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि मेरा भी लाइट कलर का सूट था और आयत का भी, मैंने कहा सारे काम निपटा लूँ उसके बाद ही ये सारे काम करूँगी। और आयत को चूड़ियाँ पहनाना एक टास्क के बराबर है, क्योंकि वो पहनती ही नहीं है बिल्कुल। वो एक पूरी टॉम बॉय है, वो उसको कुछ नहीं पसंद लड़कियों वाला, वो सब कुछ उसको लड़कों वाली चीज़ है। बस उसको छोटी पैंट शर्ट दे दो, शॉर्ट्स दे दो, बस उसमें खुश रहती है। अब मैंने पहना दिया था गरारा, लेकिन बेचारी फिर भी ईद पर पहन लेती है क्योंकि मुझे पसंद है। और इतनी प्यारी चूड़ियाँ ली थी मैंने, आया दिखाओ चूड़ियाँ दिखा रही हूँ बेटी, तो मैंने अभी नहीं किया था। तो यहाँ मैंने बहुत अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाया आयत का, बहुत मेहनत से बीड्स वगैरह लगाए और इतने प्यारे लग रहे थे ना। वैसे जो बात है माशाल्लाह से आयत के ऊपर कुछ भी पहना दूँ मैं अच्छा लगता है, बस वो कैरी नहीं कर पाती है लेकिन अच्छा ज़रूर लगता है। और मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी की थी आज के दिन के लिए, इतनी सारी चीज़ें जमा की थी आयत के लिए कि किसी तरह से ये सब चीज़ लगा रही है परफेक्ट आया था बिल्कुल। यहाँ पर मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी और मैं पहन रही हूँ फंसा फंसा के चूड़ियाँ, जो कि मुझे बहुत जल्दी हो रही थी और हम लोग बहुत लेट हो गए थे, सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे थे। बस इसी जल्दी जल्दी में मैंने सोचा थोड़ा सा नेल्स भी लगा दूँ क्योंकि मेरे पास। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी ईद के फर्स्ट डे, ये देखें मेरा लुक, पूरा लुक ये देखें। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी तैयार हो गई हूँ, ये है मेरा फुल ड्रेस और मैचिंग का खुसा और ड्रेस। और फर्स्ट डे के लिए हमेशा मैं खुसा ही लेती हूँ। मैं हो गई हूँ रेडी और ये है मेरा ईद का फर्स्ट डे का लुक। और आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो मॉर्निंग हो चुकी है, बहुत देर की सुबह की उठी हुई हूँ आज 11 बजे की, और घर की सफाइयाँ चल रही थी और बस सारे काम निमट गए हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और तैयार भी हो गए हम सब लोग और हम लोग जा रहे हैं ससुराल। आज फर्स्ट डे ईद का तो इसलिए मैं सबसे पहले जाती हूँ ससुराल। तो बस फिलहाल अभी ससुराल जाने की तैयारी है और ये है मेरा आज का ड्रेस, तो ये कुछ इस तरह का है। ये आयान से कहती हूँ वो दिखाएगा, पूरा ऊपर से नीचे तक दिखाऊंगा। तो ये है मेरी तैयारी, चलो। तो भाई मैं अभी आई हूँ यहाँ मिठाई लेने के लिए, क्योंकि मिठाई लेना ज़रूरी है। तो बस मिठाई वगैरह लेकर हम लोग निकल गए थे यहाँ से, और मिठाई लेने के लिए हमेशा मैं ही उतरती हूँ गाड़ी से, क्योंकि इमरान को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या लेना होता है। फिर मैं अपनी पसंद की मिठाइयाँ ले रही होती है हर साल, और कहीं किसी की बर्थडे होती है जब भी केक मेरे ही पसंद के होते हैं, इमरान कह रहे होते हैं मुझे नहीं पता तुम जो बेहतर लगे तुम ले लो। तो बस फिलहाल यहाँ से मैंने ली हम लोगों ने मिठाइयाँ और हम लोग निकल गए। और इस वक्त तकरीबन बज रहे थे 7, सुबह से तैयारी करते करते मैं सुबह 11 बजे जबकि उठ चुकी थी और अलार्म लगाकर सोई थी, मेरी नींद भी पूरी नहीं थी। 6:30 बजे सैलून से आई हूँ, सुबह 11 बजे मैंने अलार्म लगाया, फिर मैंने घर की पूरी सफाइयाँ स्टार्ट की और पूरा घर क्लीन किया, किचन साफ किया, सारे काम किए। और फिर जब तक ये लोग उठ गए थे नाश्ता बनाया, जगह दीजिएगा, फिर इन लोगों को नाश्ता वगैरह सब करवाया, फिर तैयारी की और फिर हम लोग पहुँचे घर। आयत यहाँ पर पहुँच गई थी मैं ससुराल और आयत बैठी हुई है बड़े मज़े से। तो गाइस मैं आ रही हूँ अपने ससुराल, जो सुबह से तैयारियाँ चल रही थी मेरी अभी हुई हैं कंप्लीट। तो बस हम अभी जल्दी जल्दी पहुँचे क्योंकि आयत ने रो रो के हसर किया था, कह रही थी कि चलो आई हूँ। अब यहाँ आकर खामोश होकर बैठी है ये। अब हंसी आ गई है फौरन, अब हंसी आ गई है। हम से जल्दी से ईदी ले लो। हाँ आयत को समझ में आ गई है, दादी अम्मी से ईदी ले लिए आयत ने। तो
ईद मुबारक। कैसी हो? ठीक ठाक। ईद मुबारक। और कहना कौन आई है छोटी? तो गाइस इस वक्त मैं फिलहाल ससुराल में ही हूँ। अभी तो रात तक ही जाऊंगी घर पर, और आया तो मैं यहाँ पर बैठे आराम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग खाना बना रहे हैं, कुछ लोग और बातें कर रहे हैं। बस यहाँ माशाल्लाह सभी लोग आए हैं और सब लोग ही अपनी 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 बातों में सब ऐसे ही लगे हुए हैं। तो आपको मुझे मेरा ईद का ड्रेस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरी तैयारी जिसके लिए बहुत मार्केटों के चक्कर लगाए मैंने। और मेरे लिए तो भाई ईद की एक खास तैयारी होती है लाजमी, कुछ भी हो जाए ईद बस बहुत अच्छी सी तैयारी करनी होती है मुझे, सब कुछ ज़रूरी चाहिए होता है। आप लोगों की ईदी कितनी हुई? 1100। और मारा है आपकी? दिखाओ ईदी, ईदी दिखाओ। अरे वाह, बहुत ज़्यादा हो गई ये तो। है किसने दिए, किस किसने दिए? सबने दिए, पापा ने और चाचू ने। वाह, अभी तो सब लोग देंगे और जमा होगी आपकी ईदी, बहुत सारी जमा हो जाएगी। क्या करोगी ईदी का? अभी सोचा नहीं है, अभी प्लान नहीं किया कुछ भी, है ना? किसकी सबसे ज्यादा? 700 भाई। हुरैन जीत गए। हुरैन की तो सबसे ज्यादा हो गई। सारे बच्चों की मैंने ज्यादा और कम ईदी कह के लड़ाई करवा दी, सब और लोग उसमें लगी हुई हैं। और ये लोग कितना अच्छा होता है ना जो ईदी का होता है, हम लोग भी बचपन में बहुत ज्यादा ईदी जमा करते थे, बहुत मजा आता था। जैसे ये लोग पर्स ले हुई है ना सब, और आयत को ईदी का पता ही नहीं है। आयत को कोई भी ईदी दे रहा है तो सबसे ये कह रही है कि मुझे चाहिए नहीं ईदी आई जी जी। 1200 है। अच्छा, ईदी कितनी हुई आपकी? ईदी कितनी हुई? 600 है बस है। अरे बाबा, आयत आप क्या कर रही है? आयत तुमने मजे से बस एसी हो और आयत ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और वैसे और कर रही होती तो खाना हो गया है भाई रेडी, और बहुत ही मजेदार छोले लग रहे हैं ये तो, जो मैं रमजान में बनाती रही पूरे। तो बस दस्तखान पे जाके बैठ जाते हैं ताकि खाना लग जाए जल्दी जल्दी। तो यहाँ हम लोग बैठ गए थे दस्तखान पर खाना खाने के लिए, और सबसे पहले इमरान और मैं बैठे थे क्योंकि हम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो इसलिए इतनी भूख लग रही थी। और पहले दिन तो मैं खाना बनाती नहीं हूँ इसलिए ईद के, क्योंकि मुझे जाना होता है और जल्दी जाना होता है। इस बार हम लोग इतना लेट हो गए वरना मैं जल्दी पहुँच जाती हूँ और सबसे पहले पहुँच जाती हूँ। मेरी देवरानियाँ वगैरह सब लोग बहुत लेट आते हैं सब लोग, लेकिन सबसे पहले मैं पहुँच जाती हूँ। इस बार तो वाकई मैं बहुत देर से आई थी, और बस फिलहाल हम लोग खाना खा रहे हैं। और दस्तखान इस बार हम लोग नीचे ही लगाते हैं ईद पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह फैमिली है, माशाल्लाह सारे भाई भाई हैं, तो सब लोग माशाल्लाह, बच्चे भी बहुत सारे हैं माशाल्लाह, तो बस इतना मज़ा आता है ना, बहुत रौनक होती है, सारा दिन बहुत एक तफरी लगी हुई होती है। और जहाँ ईदियाँ बट रही थी तो उफ अल्लाह, बहुत ही मज़ा आ रहा था। बच्चों को तो बस पता नहीं क्या, वैसे तो पैसों की पता नहीं होती लेकिन ईद पर पैसे बस पैसे पैसे कर रहे होते हैं बच्चे, उन लोगों को एक अजूबा सी बात लग रही थी। वरना हमारे यहाँ यही बच्चे होते हैं, बच्चों को पहचान ही नहीं है पैसों की, चाहे वो लड़के हों या लड़कियाँ हों छोटे। तो यहाँ पर खाने में था वाइट पास्ता और बिरयानी और शीर कोरमा, जो कि बहुत 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 टेस्टी था, सबने खाना बहुत अच्छा बनाया था, तो बहुत मज़ेदार था सारा खाना। रंग बहुत मज़ेदार बना पास्ता, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार है। कुछ भी नहीं है, कोल्ड ड्रिंक अभी नहीं है। बिरयानी भी बहुत टेस्टी लग रही है शमी, आपकी शिफ्ट लग रही है, अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। कैसे खाऊंगा? दीदी दो मैं बच्ची को दूं पहले।
छोटे भी देते हैं भाई, ये कह रहा बच्चे को तो धूप पहले सिर्फ 200 रुपए ही थी किसके, आयत के मेरे भी नहीं, मेरे दो लाए आप भी नहीं दी, नहीं आई थी आपने, 100 रुपए दूंगा बस, क्या दूंगा। और जान ये क्या इतनी 20 रुपए ये मेरी ही थी बस, ये इतनी सी इतनी बड़ी औरत की, ये तो आयत की भी नहीं थी, इससे ज्यादा आयत की थी भी छोटी हो, लाए आप भी दे वही दीदे जल्दी से बस 500 रुपए नहीं 1000 रुपए तो दे, नहीं 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 ये कोई इतनी महंगाई हो गई है, 500 रुपए थोड़ी मिलती है कोई दी दे, नहीं 1000 रुपए दे, मैं नहीं लूंगी, नहीं नहीं ईदी तो ईदी है, ईदी दे शुक्र है ईदी दे दी। कौन सा मंगाया, चलो बच्चे जल्दी डिसाइड करो किसने कौन सा पिज्जा खाना है, खा रहा भाई कैसे कैसे कटिंग करेंगे, खाएंगे खाएंगे खाएगा।